कांग्रेस पार्टी पार्टी जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद केसीआर मुर्दाबाद 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 के हुकुम पे वक्फ बोर्ड के पूरे फाइल्स को पूरे लॉक किया गया आरटीओ के पास तो सर्वर कलेक्टर के जरिए 4 साल से गवर्नमेंट चलाने के सियासत आधी रात को उनको मालूम हुआ कि भाई वक्फ की प्रॉपर्टियों पे चोरी हो रही जमीन आ जा रही आधी रात को भिजा के जो है लॉक कर रहे पूरे फाइल्स आप सब जानते बेहतर तरीके से कि वक्फ कमेटी जो है आपकी वक्फ कमेटी में जो मेंबर्स है आप बेहतर जानते हैं कि उनके ऊपर अकबाल साहब के रहते वक्त एफ आई आर बुक हुआ जलालुद्दीन साहब के टाइम पे जला एफ आई आर बुक हुआ असदुल्ला साहब के टाइम पे जला एफ आई आर बुक हुआ वो लोगों को आप मेंबर बनाते हैं आप पूरी कमेटी में जो है ऐसे लोगों को लगते हैं जो वक्फ के ज़मीन खा के ककार भी नहीं ले रहे और आपको 4 साल के बाद मालूम हो रहा है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ चल रहा है आप लाकर आपका ये एस्केप हम वेलकम करते हैं मगर आप 4 साल के बाद जागे हैं और अभी वक्फ कमेटी को आप इमीडिएट आपकी जो कमेटी बनाए उसको आप डिसॉल्व करो और पूरा पब्लिक के सामने लाओ कि माजरा क्या था क्या ये वाकई आप ईमानदारी से वक्फ की हिफाजत करना चाह रहे हैं वक्फ की ज़मीनों की या फिर असेंबली में एक एमएलए साहब ने जो आपके ऊपर नक्ताशोनी करी थी उनको झलक देने के आती है रात का काम किया गया और आज उन्होंने कसीदे पढ़ दिए उनके तो आज काम ख़त्म हो गया क्या देखिए वक्फ के ज़मीनों पे बहुत उलट पुलट है सीएम साहब आप पूरी ईमानदारी से जो है मुसलमानों की वक्फ ज़मीन की हिफाजत करिए आप मुसलमानों को वादा कर रहे हैं आप कुछ नहीं कर रहे हैं 12% पानी में डाल दिए आप सिर्फ मुसलमानों को बहकाने के लिए आधी रात को ये काम करें आप हम सब मिलकर आपसे मुतालबा करते हैं कि आप सख्ती से जिस तरह से आधी रात को आप यहाँ पर स्टेप लिए हैं उसी तरह पूरे वक्फ के पूरे चोरों को सामने लाइए आप अभी से नहीं आप बताएं कि 2010 से मैं पूरी इंक्वायरी करूँगा वक्फ के प्रॉपर्टीज़ की हम आपको बोल रहे हैं कि आप 2000 से करिए पूरी 2000 से जितने भी है पूरों के सामने लाइए वक्फ की ज़मीनों की हिफाजत के लिए।